नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल को ही वित्तीय साल की शुरुआत क्यों होती है। अप्रैल महीने से वित्तीय साल की शुरुआत होती है। बता दें कि अप्रैल महीने के लिए बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट और टैक्स पेयर के लिए काफ़ी मायने रखता है। अगर अप्रैल महीने की पहली तारीख का दिन कई मायनों में अहम है, व्यापार जगत के लिए यह बेहद ही खास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्यों 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, जबकि नया साल तो 1 जनवरी से शुरू होता है। अगर हम वित्तीय साल की बात करें तो भारत में देश का बजट अप्रैल महीने से पहले ही लागू हो जाता है, लेकिन यह लागू 1 अप्रैल से शुरू होता है। यानी कि सालों से चली आ रही यह परंपरा अभी भी भारत में उसी रूप से जारी है। ऐसे में 1 अप्रैल से 31 मार्च की तारीख को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग ईयर, फिक्सियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर। अगर हम वित्तीय साल की शुरुआत के इतिहास पर एक नज़र डालें तो भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो कि अप्रैल महीने से अपना फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत करते हैं। भारत में यह परंपरा साल 1867 में शुरू हुई थी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग और ग्रेगरियर कैलेंडर के अनुसार ब्रिटिश अप्रैल और मार्च के हिसाब से इसकी जो है शुरुआत किए थे। अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए इस वित्तीय साल को लेकर कई इतिहासकार यह भी मानते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी महीने की पहली तारीख को नए साल की शुरुआत होती है, लेकिन ब्रिटिश के लोगों को यह डर था कि क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां ख़राब न हो, इसके डर से उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया। लेकिन अकाउंटिंग के लिए वे अप्रत्यक्ष रूप से जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इस समय भारत में अंग्रेज़ों का राज था, इसलिए भारत में भी इस परंपरा की शुरुआत हो गई। तो एक तरह से कह लें कि वित्तीय साल की जो शुरुआत हुई है वो अंग्रेज़ों की देन है, और उसी समय से जो है अभी तक भारत में यह परंपरा चालू है। वहीं अगर हम भारत की बात कर लें तो जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय अंग्रेज भारतीय किसानों से लगान वसूलते थे। उस समय ब्रिटिश राज में ज़्यादातर टैक्स खेती से लिया जाता था। बता दें कि उस समय फसल की कटाई और बुआई पर ध्यान में रखते हुए स्थिति का निर्धारण किया गया था। अगर हम भारत में कृषि उत्पादन की स्थिति को देखें तो खरीफ फसल अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में होती है, जबकि रबी फसल की कटाई मार्च और अप्रैल के बीच में होती है। ऐसे में अप्रैल का महीना किसानों और व्यापारियों के पैसे लेन देन का होता है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि यह भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण जो है 1 अप्रैल से वित्तीय साल की शुरुआत की जाती है। अगर हम विश्व में वित्तीय साल की बात कर लें तो 156 देश 1 जनवरी से 31 दिसंबर को कारोबारी साल मानते हैं, तो वहीं अप्रैल महीने की बात कर लें तो 33 देश 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को अपना वित्तीय साल मानते हैं। वहीं विश्व के 20 ऐसे देश हैं जो कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक अपना वित्तीय साल मानते हैं। तो ये था 1 अप्रैल को वित्तीय साल मानने की एक प्रक्रिया जो कि विश्व से लेकर भारत तक में प्रचलित है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।